गाइज आप सब लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छी वर्क फ्रॉम होम की गोल्डन अपॉर्चुनिटी आई है, जहां पे आपको फ्लिपकार्ट प्रोसेस पे वर्क करना है, यानी कि फ्लिपकार्ट के कस्टमर्स की क्वेरीज को चैट पे और कॉल पे उनकी क्वेरीज को हैंडल करना है। टेक महिंद्रा गाइज यहाँ पे हायरिंग कर रहा है इस प्रोसेस के लिए। 500 से भी ज्यादा दोस्तों यहाँ पे ओपनिंग्स हैं, जहां पे 12वीं पास भी अप्लाई कर सकते हैं, बाकी ग्रेजुएट फ्रेशर एक्सपीरियंस सब यहाँ पे एलिजिबल है। इनके टीम बहुत एक्टिवली रिस्पॉन्ड कर रही है, बहुत एक्टिवली इंटरव्यू ले रही है, अर्जेंट हायरिंग है। पैन इंडिया में आप कहीं से भी हैं, आप यहां पे एलिजिबल अप्लाई कर सकते हैं। कंप्लीटली वर्क फ्रॉम होम है, अपने घर से काम करना है। आज की वीडियो में आप लोगों को मैं पूरी डिटेल बताऊंगा क्या एग्जैक्टली आपका रोल रहेगा, कितनी सैलरी आपको मिलेगी, कैसे आप लोगों को यहां से रिवॉर्ड आएगा, इंटरव्यू के कितने राउंड होंगे, हर चीज बताऊंगा। पूरा आप लोग ध्यान से समझना दोस्तों। और पहली बार अगर आप इस चैनल पे हैं तो मेक श्योर इस वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बिकॉज ऐसे जो अपडेट की वीडियोस मैं आप लोगों के लिए चैनल पे लेके आता रहता हूँ। चलिए शुरू करते हैं। सो गाइज आप लोग जो मेरी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, सबसे पहले तो जैसा मैंने बताया गाइज यहाँ पे टेक महिंद्रा हायरिंग कर रहा है। आपका जो रोल है वो है कस्टमर सपोर्ट फ्लिपकार्ट प्रोसेस, जैसा यहाँ पे लिखा है फ्लिपकार्ट नॉन वॉइस ब्लेंडेड। गाइज ये जॉब अभी सिर्फ एक घंटा पहले पोस्ट हुई है, बहुत ही कम लोगों ने अभी इसमें अप्लाई किया है, एंड इसमें फ्रेशर अप्लाई कर सकते हैं। पहले आपको अपना रोल समझ लो गाइज। देखो आपको अप्लाई करने के दो लिंक मिलेंगे, की है एंड एक लिंक यहाँ पे टेक महिंद्रा हायरिंग फॉर वर्क फ्रॉम होम कस्टमर सपोर्ट। तो गाइज सबसे पहले आप अपना काम यहाँ पे समझ लो। आपका काम है अपने कस्टमर्स की क्वेरीज को हैंडल करना है, जो फ्लिपकार्ट के कस्टमर्स हैं उनकी क्वेरीज को आपने हैंडल करना है। अब वो ईमेल पे भी हो सकता है, कॉल पे भी हो सकता है, चैट पे भी हो सकता है ना, वो अलग अलग मोड रहते हैं, वो आपने क्वेरीज हैंडल करनी है। अगर चैट प्रोसेस आपको मिलता है तो टाइपिंग स्पीड बढ़िया होनी चाहिए, कॉल वाला अगर आपको मिलता है तो कम्युनिकेशन बढ़िया होनी चाहिए, वैसे कम्युनिकेशन दोनों में बढ़िया होनी चाहिए, ठीक है। अब गाइस ये जो रोल है इनके लिए सबसे पहले तो आप मिनिमम 12वीं पास होने चाहिए, उससे कम की क्वालिफिकेशन वाले एलिजिबल यहां पे नहीं है, 12वीं से ऊपर वाले यहां पे चल जाएंगे। एंड आपके पास काम करने के लिए सिस्टम होना चाहिए, क्योंकि गाइस ये वर्क फ्रॉम होम है तो अपने पास काम करने के लिए लैपटॉप वगैरह होना चाहिए, जिसमें विंडोज की 10 हो, 8GB रैम हो और i3 प्रोसेसर मिनिमम होना चाहिए, उससे ऊपर हो तो चल जाएगा, ठीक है। 500 से भी ज्यादा वैकेंसी है गाइस। अब यहाँ पे थोड़ा सा सैलरी की अपन बात कर लेते हैं। अब देखो यहाँ पे इन्होंने पैकेज वाला के लिखा भी हुआ है, 1.75 LPS से 2 LPM सेकंड पेज पे भी जाएंगे, यहाँ पे भी सैलरी को ऐसे इन्होंने ब्रेकडाउन किया हुआ है। तो अगर आप पर मंथ पे लगाएंगे गाइस, आपकी जो सैलरी यहाँ पे रहेगी आप लगा लो 13,000 से लेके 15-16,000 के ब्रैकेट के बीच में रहेगी, डिपेंड करता है आप एक फ्रेशर है या एक्सपीरियंस है। तो अगर आप एक फ्रेशर हैं तो गाइस खासकर ये अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आप अपने करियर की शुरुआत सब यहां से कर सकते हैं। तो ये तो खैर सारी की जॉब की बेसिक डिटेल थी। आप लोगों को मैं रिकमेंड करूंगा आप इन दोनों लिंक से अप्लाई कर देना। अगर आपको इनमें रिक्रूटर की डिटेल भी इस मोमेंट यहाँ पे अवेलेबल है तो आप उनको भी मेल पे अपना सीवी वगैरह भेज सकते हैं, बट अपडेट करके प्रॉपर लिख दिया करो। सब्जेक्ट लिखना होता है, अच्छे से ईमेल लिखनी होती है, उसमें रिज्यूम अटैच करना होता है, फिर भेजना होता है, रेंडम लिखा सीवी मत भेजा करो, प्रॉपर लिखना होता है। अब थोड़ी सी गाइस यहाँ पे बात आती है इसके इंटरव्यू के प्रिपरेशन की, सारी चीजें तो हमने कवर कर ली। देखो गाइस टेक महिंद्रा में जब इंटरव्यू होता है सबसे पहले स्क्रीनिंग राउंड होता है, आपका कॉल पे एक राउंड होगा, उसमें आपकी कम्युनिकेशन देखी जाएगी कि आप अच्छे से बात कर पाते हैं कि नहीं और आप इंटरेस्टेड भी हैं कि नहीं। उसके बाद आपका हो सकता है कोई टेस्ट भी हो इसमें, मतलब माइट भी हो सकता है इसके अंदर। एंड सबसे लास्ट में एक ऑप्स राउंड मैनेजरियल राउंड होता है, वो वर्चुअल होता है वीडियो कॉल पे, उसमें आपसे काफी सारे सवाल पूछे जाएंगे, आपकी कम्युनिकेशन देखी जाएगी, ये देखा जाएगा कि आपको कस्टमर सपोर्ट डोमेन का कितना नॉलेज है और आप क्या, अगर आपको कोई एंग्री कस्टमर मिलता है या कोई ऐसी सिचुएशन आती है इस डोमेन में तो क्या आप उसको हैंडल कर पाएंगे कि नहीं, ऐसी चीजें बताई जाएंगी। तो वो इंटरव्यू होगा, उसके बाद आपका फाइनल सिलेक्शन। और कंपनी को ऐसे लोगों की जरूरत है गाइस जो इमीडिएट ज्वाइन कर पाए, यानी कि अगर आज सिलेक्शन होता है तो कल या परसों में ऐसे इमीडिएट ज्वाइनिंग कर पाए। सो बस गाइस यही थी वो जॉब अपडेट, एंड बाकी कोई डाउट अगर आप लोगों के मन में हो रहा गाइस इंटरव्यू की, अगर आप ज्यादा तैयारी करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एक स्पेशल वीडियो का लिंक दिया है, जहां पे हमने ये बताया कि ये जो कंपनीज होती हैं यहाँ पे सीवी कैसे शॉर्टलिस्ट होते हैं, इंटरव्यूज के कितने राउंड होते हैं, कैसे क्रैक किया जाता है, आप अप्लाई करने के बाद वो वीडियो देख लेना, आपकी पूरी तैयारी हो जाएगी। सो गाइस ये थी आज की जॉब अपडेट, आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए ओपन है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, ऐसे न्यू न्यू वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सो मिलेंगे फिर दोबारा से जल्दी ऐसे और वीडियो के साथ, तब तक के लिए सभी को बेस्ट विशेस, गुड लक, जय हिंद।